वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सारे उस वैरागमई समय से एकत्र होए हाँ जो कि पंथ के महान नितड़क जरनैल सिंह साहब जथेदार बाबा जी बाबा गजन सिंह साहब जी मुखी तरना दल बाबा बकाला साहब जी के पंद्रहवें जथेदार जिन्ह ने महान सेवा बाबा बिशन सिंह साहब जी के समय तो लैके महापुरखों की हाजरी में सेवा बहुत प्यार दे नाल और उन्होंने अगे पंद्रहवें मुखी जो तरना दल बाबा बकाला साहब की सेवा जो पंथ वालों सौंपी गई उन्होंने बड़े प्यार दे नाल बड़े लगन दे नाल और पंथ की चढ़ती कला ले कार्ज किए और तरना दल बाबा बकाला साहब जी दे उन महान सेवावां दे कार्ज जिथे उत्थे समुचे तौर ते खालसा पंथ दे हर कार्ज विच मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के उन्होंने सेवा दे कार्ज किए और वो सच की आवाज़ नूं बुलंद करन वाले सन और सच दा वचन सामने कह देण दी उन्हां दे विच ये हैसियत सी जिहड़ा कि आप सच ते पहरा देण वाले सन अज उन्हां दा चले जाण दा जिथे तरना दल बाबा बकाला साहब जी नूं उत्थे सारे खालसा पंथ जी नूं उन्हां दे जाण दा घाटा पिया है। सो सतगुरु कृपा करन उन्हां महापुरखां दे वल्लों जिहड़ी पंथ विच कीती सेवा दे महान निर्माण कार्ज हन वो सदा लई वो मार्गदर्शन करदे रहणगे। सो मैं बहुता विस्तार विच ना जांदा होया ये अगे तरना दल श्री बाबा बकाला साहब जी दे अगे मुखी जो थापण वास्ते जिस दिन बाबा जी का चलाना होया उस दिन ये सारी विचार इत्थे कीती गई तां साडे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा गुरदेव सिंह जी शहीदी बाग श्री आनंदपुर साहब जिन्हां दे पास बड़े प्यार दे नाल सारे पंथ वालों ये प्यार सहित बेनती की गई कि बाबा जी आप जी की सेवा बनती है अगे सेवा संभालण वास्ते। बाबा जी कहण लगे दास नूं बाबा कीर्तन सिंह साहब जी वालों हुक्म नहीं है उन्होंने जो हुक्म लाया उत्थे ही सेवा करनी है ये सेवा कार्ज करन वास्ते। फिर अगे ये महापुरखां दे पास जो बचपन तो लैके गुरु घर विच जिन्हां दी अरदास होई और जिन्हां नूं महापुरखां ने थां पर थां सारे कार्ज करन वास्ते जिन्हां ने आप अपने जीवन काल विच उन्हां नूं सारे कार्ज सिखाए ने समझाए ने ओह गुरमुख प्यारे बाबा जी बाबा जोगा सिंह जी उन्हां दा सामने लियाण के बाबा गुरदेव सिंह जी ने कहण लगे ये दस्तार जिहड़ी है ये सजाउणी है ते सत वचन कहना है। उस वेले फिर बाबा जोगा सिंह जी कहण लगे बाबा जी आप जी दस्तार सजा के पणगे ते बैठो जो सेवा दास नूं लाओगे मैं करूँगा। उस वेले फिर बाबा गुरदेव सिंह जी कहण लगे ये वचन बार बार नहीं करना जो तैनू वचन कर रहे हो करना पैना है। उस वेले फिर दास ने भी बेनती की बाबा जोगा सिंह जी नूं होर जिन्ने सियाने सियाने सिंह सन सारिया ने यही गुरमता किया कि जो बाबा जी वचन कर रहे हैं उस वचन के अगे आप सत वचन कहो। उस वेले फिर दास ने बेनती की संत बाबा गुरदेव सिंह जी नूं कि आप जी दो लफ्ज बोल के सारी संगत दे ताई ये दसे जान ताँ कि किसी के मन में भुलेखा ना आवे। उस वेले फिर बाबा जी ने यह बेनती प्रवान किया ते सारयां दे ताई ये वचन करके बाबा जी ने सारयां दा भरम भुलेखा दूर कर दिता कि प्यारियो आने वाले समय में ये सेवा दा ये सोलहवें जथेदार तरना दल बाबा बकाला साहब जी दे हन ते बाबा जोगा सिंह जी हन आप दस्तार सजा के उस दिन बाबा जी ने जकारा बुला दिता जकारे बुलावे निहाल हो जावे। और ये बाबा जी दी एक बहुत विशालता है बहुत ये दूर अंदेशी महापुरखां दे विच ही हुंदी है
होर जने खड़े बिच नहीं होंगी। ये उन्होंने महापुरखों का त्याग से वैराग से जो उन्होंने दीर्घ विचार है वह अज सारे पंथ के सामने है कि उन्होंने एक योग के लायक जिहड़ा पंथ विच सेवा करता आ रहा गुरमुख प्यारा वह तरना दल बाबा बकाला साहब जी का मुखी बना के जो कि पंथ की सेवा करने वास्ते वह तैयार पर तैयार किया। अज बाबा जी दे अंतम जिथे अरदास विच सारा पंथ एकत्र होया सारियां संगतां एकत्र होईयां ने उथे जो कि सारे मान योग सारे ही सिंह साहिबान अंतक हस्तियां संप्रदावां दे मुखी साहिबान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब अंत बड़ा दल के जथेदार साहब बाबा बलवीर सिंह साहब जी वह भी आप जी ने संबोधन होए ने क्योंकि उन्होंने थोड़े समय में बहुते वड्डे कार्ज किए ने और नाल नाल गुरु के प्यारियों ये जथेबंदियां ये संप्रदावां जो साहब सच्चे पातशाह जी की बख्शिश के नाल चलिया हैं इन्हों की जड़ी माण मर्यादा है वह एक बहुत वड्डी है और उस माण मर्यादा नूं मुख रख के उस मर्यादा में चलना सो बाणी ते बाणे विच जो पुरातन रवायत खालसे नूं सतगुरु ने बख्शी है उस मर्यादा विच तैयार पर तैयार रहना यह सतगुरु जी की कृपा का सदका है कि समय समय अनुसार जिहड़े भी मुखी साहिबान संप्रदावां दे थापे जांदे ने वह योग छापे जांदे ने जिहड़े अगे उहदे विच वृद्धि करन उहदे विच वाधा करन और पंथ की चढ़दी कला लई हमेशा लई उह कमर कस्सा करके तैयार पर तैयार रहन सतगुरु कृपा करन संत बाबा जोगा सिंह जी जो कि अज उत्तराधिकारी और वह अगे सोलवें जथेदार बाबा जी के थां ते जो थापे गए और अज बाबा जी के दशहरे समागम से जिन्होंने सारे पंथ वालों अज दस्तार सजा के सो सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में ये अरदास करने वास्ते सारे हाजिर होए हाँ कि बाबा जी ने चढ़ती कला के नाल गुरु पंथ की जो कि संप्रदाय तरना दल बाबा बकाला साहब और गुरु पंथ की सेवा कर सतगुरु जी बल प्रदान कर आप सारी संगत सारा पंथ आशीष बख्शो इस तरह नाल आपां बाबा जी दे संयोग करके जिहड़े जिहड़े भी कार्ज हन सेवा दे उन्हां दे विच नाल संयोगी बनना है साहब जी कृपा करन मेहर करन वह महान बाबा जी बाबा गजन सिंह साहब जी का जिहड़ा विछोड़ा है वह असह है ये विछोड़ा सहना कोई सौखा नहीं है सतगुरु कृपा करन पंथ नूं महाराज भाणा मनण दा बल बख्शन सो सारियां संगतां दा आए हुए महापुरखां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जिहड़े अज बाबा जी दे दशहरे समागम विच अंतम अरदास विच सारे माई भाई एकत्र होए हो क्योंकि संप्रदाय दल बाबा विधि चंद साहब जी का तरना दल बाबा बकाला साहब जी का ये जिहड़ा महापुरखों का नेड़ता का प्यार है वह खालसा जी कोई कहण दे कोई गल क्या नहीं दस्या जा सकता एक दूजे की कंडे चबे की दर्द मनाउण वाला नौ दे मास दे रिश्ते वाला ये साझ दे प्यार बड़े महापुरखों तो लैके सो गुरु पंथ विच समय समय अनुसार खालसा जी ये महापुरखों का यह जथेबंदियों संप्रदावान का प्यार है सतगुरु कृपा करन चढ़दी कला बख्शन फिर दुबारे उन्होंने महापुरखों के उन्हों की घालना उन्हों की की हुई सेवा अणथक जो है गुरु पंथ लई उस महान की सेवा उन्होंने महापुरखों संत बाबा गजन सिंह साहब जी ने उन्हों की घालना कमाई न नमस्कार है नमस्कार है सो गुरु के प्यारियो आप सारिया संगतां हाजरी प्रवान करनी संप्रदाय दल बाबा विधि चंद साहब जी वालों और सारिया संगतां बड़े प्यार अदब दे नाल अज महापुरखां दी याद में जुड़े हाँ जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया अमृत छको जिन्हां केस दाड़े नहीं रखे केस दाड़े रखो जो कि यह समय की जड़ी है वह आप जानते हो ये सारे ही शांति चाहते हाँ पर जिवें गुरु की मर्यादा विच बाबा गजन सिंह साहब जी ने हर समय पंथ जी जो भी सेवा उहदे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के की थी अज भी गुरु का खालसा सारा एकत्र हो के गुरु पंथ की चढ़ती कला लई कार्ज करन तां कि सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त करते हुए उन्हां महान शहीदां सिंघां दियां खुशियां प्राप्त करिए साहब गरीब नवाज कृपा करन हाजरी प्रवान करनी सारा खालसा पंथ एकत्र हो के मिलवे की महिमा बरन ना सकूं जो गुरु का सिख है सिख नाल सिख प्यार करता है जेड़े भी कोई गुरमते हैं गुरु पंथ की चढ़ती कला लई
ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ